ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आपका आज तीसरा दिन है और अभी हम सबके समक्ष हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी पहुँचे हैं। आप दो दिन से दीदी से क्लास भी ले रहे हैं और दीदी का परिचय भी सुना है। दीदी का कितना परिचय सुनाऊं उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारी विशेषताओं से भगवान ने आपको ओतप्रोत किया हुआ है। आज दीदी की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से हम देख रहे हैं कि जो दीदी यूथ विंग की को दीदी की देन है, जिससे यूथ विंग निरंतर लगभग 35-40 साल हो गए हैं निरंतर अपनी गति को बढ़ाता जा रहा है। और इस संस्था में 1,00,000 यूथ ऐसे हैं जो पूर्णतया निर्व्यसनी हैं, और इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी चंद्रिका दीदी का बहुत हाथ है। क्योंकि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत विलियंट रहे हैं और आपका मनन चिंतन बहुत अच्छा है। आपने बहुत सारे मनन चिंतन करके प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिस प्रोजेक्ट को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक, इसी प्रकार से रशिया ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनको उस प्रोजेक्ट को स्थान मिला है। और दीदी ने भी अपनी योग्यता से बाबा की सेवाएं करके, यूथ की सेवाएं करके बहुत सारे अवार्ड अचीव किए हैं। दीदी जी से आप मिल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कितने सरल नेचर के हैं, इतने सरल नेचर के कि आप पर्सनल भी मिलना चाहें तो बहुत इजी रूप से दीदी मिलते हैं। और जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। मैं खुद अपना अनुभव सुनाऊं, मेरे को आज स्टेज पर खड़े करने के लिए हमारी चंद्रिका दीदी का हाथ है। मेरे को उमंग भरती थी, करो करो, मेरे को थोड़ा सा डर लगता था छोटे थे, पर दीदी हमको बहुत सपोर्ट करती थी और आज हिम्मत भरती हैं। तो अनेक यूथ इस यूथ विंग के द्वारा सारे भारतवर्ष में इन सेवाओं को इतना फैला रहे हैं, अनेक यूथ तैयार कर रहे हैं, ये दीदी की ही देन है। और दीदी यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन होने के साथ साथ इनकी योग्यताओं को देखते हुए, इनकी सेवाओं को देखते हुए हमारे यज्ञ के बड़ों ने आपको आर्ट एंड कल्चर विंग का भी चेयरपर्सन बनाया है। ताली तो बजाओ। दीदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे कि साइकिल यात्रा, बस यात्रा, मेटाडोर यात्रा, यूथ फेस्टिवल, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप्स इत्यादि, ये बड़े कुशल रहे। और सरकार से मिलकर के तो यूथ विंग बहुत समय से कार्य कर रहा है, जिससे कि
अनेक यूथ संपर्क में आते रहते हैं और उनकी सेवाओं को देखकर, उनके जीवन को परिवर्तित स्वरूप देखकर जीवन का अनेक यूथ वैसे ही आते हैं। तो जब यूथ विंग से जुड़ते हैं तो हमने देखा है हमारे अंदर उमंग, उत्साह, खुशी, जागृति, हिम्मत, साहस, ये जितने भी गुण हैं वो निरंतर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दीदी इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कराती हैं जिससे कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत ही रहती हैं, मर्ज नहीं होती। अगर आप यूथ विंग से जुड़ेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप अवश्य अपनी शक्तियों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए एक दिन बहुत बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो दीदी जी की विशेषताएं तो बहुत हैं, और जो आज आपने सवेरे दो दिन से राजयोग शिविर कर रहे हैं जिसमें विशेष विजुलाइज करके कनेक्ट होते हैं हम गॉड से, ये बहुत अच्छा एक मेथड है, उसका उसको अस्तित्व में दीदी ने ही लाया है, अर्थात उसका निर्माण दीदी ने ही किया है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे, ये विशेष 6 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल बजाए जाते हैं। ट्रैफिक माना ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले, जैसे हम सड़कों पर देखते हैं सिपाही क्या करता है या लाल लाइट के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने वाहन को रोक लेते हैं, इसी प्रकार से ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात अपने मन के विचारों को सब तरफ से हटा करके जो गीत बजता है उस तरफ अपना मन लगा दें, इसका भी निर्माण दीदी ने ही किया है। तो ऐसी प्यारी दीदी जी की विशेषताएं बहुत हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के हम आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सबके आगे अपना प्रेरणादायी वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति। आज बारिश के कारण कोई भी पांडव भवन और मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत पानी भरा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का अभी का विषय है ओनिंग योर ओन फ्यूचर, हमारा खुद का भविष्य बनाना हमारे हाथ में ही है। हम श्रेष्ठ फ्यूचर बनाएं, अपनी पसंदगी का फ्यूचर बनाएं, लोगों के भले का फ्यूचर बनाएं, जो करना चाहे कर सकते हैं। पर सब कुछ करने के लिए हमें क्या समझना होगा और क्या करना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप सभी ने किसी मरे हुए इंसान को देखा है? डेड बॉडी को जिन्होंने देखा है हाथ उठाएं। देखा है? अच्छा, डेड बॉडी से किसी ने बात की है? डेड बॉडी से बात कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। डेड बॉडी आपको देख सकती है? डेड बॉडी आपका सुन सकती है? डेड बॉडी स्वयं उठ करके चल सकती है? नहीं। तो बॉडी डेड कब होती है? शरीर मुर्दा कब बन जाता है? शरीर मुर्दा कब बन जाता है?
अरे जवाब तो दो। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर पूरा मर्दा बन जाता है। अच्छा, पर अगर आत्मा शरीर में है तो शरीर मुर्दा बन सकता है? आत्मा शरीर में है तो शरीर मुर्दा बन सकता है? नहीं बन सकता है। थोड़ा थोड़ा आपने मुर्दा लोगों को नहीं देखा है, मरे मरे चल रहे हैं, मरे मरे बोल रहे हैं, और चेहरे पर कोई खुशी नहीं है और जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को देखा है नहीं देखा है? देखा है तो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, खुद तो कभी अदभुए नहीं होते हैं ना? हाँ, खुद तो कभी ऐसा अनुभव नहीं करते ना कि हम आधा मरे हैं और आधा जिंदा हैं। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस शरीर में आत्मा है, इसीलिए ये शरीर चलता है, फिरता है, बात करता है। अगर आत्मा निकल गई तो इस शरीर को एक इंच भी अपने आप हिलने की ताकत नहीं है। आत्मा चली गई, ये इतना सुंदर, जिसका जो कोई की माँ थी, कोई की बहन थी, कोई की पत्नी थी, कोई की सास थी, जितने संबंध थे ख़त्म। वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, वह वकील थी, वह इंजीनियर थी, सब ख़त्म। तो ये फ्यूचर हमको किसका बनाना है? किसका फ्यूचर बनाना है? शरीर का फ्यूचर बनाना है? किसका फ्यूचर बनाना है? किसका बनाना है? आत्मा का बनाना है। अगर आत्मा का फ्यूचर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, आत्मा का परिचय हुआ आपको? जिनों को शिविर में आत्मा का परिचय मिला, वो सुना, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। इस शरीर के अंदर बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, समझने वाली आत्मा है। अब हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें स्वयं को समझना होगा, स्वयं की शक्तियों को समझना होगा, और उन शक्तियों का प्रयोग किस तरह किया जाता है वो समझना होगा। लेकिन हम लोग सारा समय शरीर को ही देखते हैं, चाहे अपने शरीर को देखते हैं, चाहे दूसरों को शरीर को देखते हैं, और शरीर की लिमिटेशंस को देखते हैं। और इसलिए हमारे जीवन के अंदर जो चेतना की अनुभूति होनी चाहिए, आत्मा चैतन्य है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा का व्यक्तित्व वास्तव में भगवान जैसा होना चाहिए। जैसा परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके जैसे होने चाहिए। लेकिन आज नहीं है, वो हम सभी स्वीकार करते हैं। अगर हमें हमारे भविष्य को बनाने की कोई कल्पना भी करनी हो, कोई इमेजिनेशन भी करना हो, तो हम कल्पना कैसे करेंगे? आज कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको जनरली लोग एक ही सवाल पूछते हैं, अच्छा तुम बड़ा होकर के क्या बनोगे?
तो कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा पुलिसमैन, कोई कहेगा पायलट, कोई नहीं कहेगा कि मैं भगवान बनूंगा या भगवान जैसा बनूंगा या मैं देवता बनूंगा या मैं देवी बनूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। क्यों? उन्होंने सारी शरीर की उपाधियों को ही देखा है, शरीर की पदवियों को ही देखा है और ये समझा है कि ये सब कुछ शरीर ही है। तो अगर मुझे अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, मुझे अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाना है, तो मुझे बेसिक सत्य को समझना पड़ेगा और वो बेसिक सत्य है तीन, आत्मा, परमात्मा। और ये वर्ल्ड साइकिल का टाइम जिसके अंदर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये पूरी वर्ल्ड साइकिल को समझना पड़ेगा। इसी एक जन्म के जीवन को समझने से कुछ काम नहीं बनेगा। 5 साल होगा शरीर छोड़ के चली जाऊंगी, शरीर छूटा पर मैं तो हूं ना, मैं दूसरा बर्थ लूंगी, मैं दूसरा जन्म लूंगी, तो मेरा भविष्य मुझे क्या बनाना है? टेम्पररी बनाना है, विनाशी बनाना है कि इटरनल बनाना है? कैसा बनाना है? इटरनल, अविनाशी बनाना है। तो हमें अपने आप के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एक 2 मिनट आंखें बंद करके अपने को देख लो, और जब आप अपने को देखो तो ये शरीर को नहीं देखना है। आपकी शरीर की उपलब्धियों को नहीं देखना है, हमें अपने आत्मा के जो एक पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप है, बीज रूप स्वरूप है और जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, जिनमें सर्व गुण हैं, जो परमात्मा की प्रतिकृति है, ऐसे पूर्ण स्वरूप को देखना है। मैं एक पूर्ण आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, जैसा परमात्मा है वैसी ही मैं आत्मा हूँ, जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं वो सब शक्तियाँ मेरे में हैं, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। आत्मा आदि अनादि अविनाशी सदाकाल है, तो उनका सदाकाल का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। 2 मिनट अपने को इस शरीर से डिटैच कर दो, समझ लो ये मुर्दा है, मैं मुर्दे से बाहर आ गई हूँ। अपने वो चेतना को देखो, खुद को देखो, खुद को अनुभव करो।
अब धीरे से स्वयं की आत्मिक चेतना को स्मृति में रखते हुए कोई नए शरीर में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। बहुत छोटे बच्चे के रूप में माँ की गोदी में सोया हुआ और धीरे धीरे मैं आत्मा समय के साथ बड़ा होता जा रहा हूँ। मैं 5 वर्ष की उम्र तक पहुँच गया हूँ। अभी आप 5 वर्ष के बच्चे हैं। नए शरीर में हो और एक अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने लिए ये बातों को आप सुनना। पुराने शरीर में नहीं रहना है। आत्मा में 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब ये जो मन है, उस मन के पास संकल्प शक्ति है। चाहे छोटा बच्चा भी है, लेकिन वो सोचता ही रहता है, जो समझ में आता है, जितना समझ में आता है वो संकल्प करता रहता है, दौड़ने लगेगा, चीज उठाने लगेगा, वो क्या चीज़ है समझने की कोशिश करने लगेगा। आत्मा दुनिया से जुड़ने का प्रयास कर रही है, उसको मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, माँ बाप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साधनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, साधनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पूछता है, ये क्या 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 है। आत्मा मन के जरिए कनेक्ट होने की कोशिश करता है। फिर है बुद्धि। बुद्धि हर बात को सोचते हुए समझने की कोशिश करता है, समझते हुए करना नहीं करना, कैसे करना, क्या करना, ये प्रयास में लगा बुद्धि लगी रहती है। और संस्कार, संस्कार हमारे 3 प्रकार के हैं, एक पिछले जन्म के, एक
जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं और एक हम अपने आप जो संस्कार बनाते हैं, ऐसे तीन प्रकार के संस्कार हैं। आत्मा मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा अपने जीवन की पूरी यात्रा को करता है। अब हमें 5 साल का बच्चा ही रहना है, मतलब हमें इनोसेंट रहना है, हमें निर्दोष बनना है, हमें एकदम निखालस रहना है और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है। मन के अंदर एक शक्ति है और उस शक्ति से वो हमेशा अपनी प्रेजेंस में रहती है। मन की शक्ति है प्रेजेंट ऑफ माइंड। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऑलवेज प्रेजेंस में होते हैं क्योंकि अभी तक वो बाहर कनेक्टेड नहीं हुए हैं। हमेशा प्रेजेंट रहना, अपने में प्रेजेंट रहना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसी हूँ, अपने चेतना के अस्तित्व को जानना। अभी हम अधिकतर एब्सेंट माइंड रहते हैं, सही है ये बात? हम अधिकतर एब्सेंट माइंड रहते हैं, हम अपने साथ होते ही नहीं हैं, या हम मित्रों के साथ हैं, या हम समस्याओं के साथ हैं, या हम जो भी जीवन के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हैं, या जो पास्ट हो गया उसी को सोचने में हैं। और ये सारी बातें वेस्ट ऑफ टाइम हैं। हमारा फ्यूचर बनाने की बात तो बहुत दूर रही, हम कहाँ अटके हुए हैं, हम रुके हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जब तक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, हमेशा आप अपने साथ रहना सीखो। हम खुद खुद के साथ रहे, मैं मेरे साथ रहूं, ऐसे नहीं कि मेरी चेतना कहाँ भी भटकने चली जाए। इंट्रोवर्ट बनना है और इंट्रोवर्ट बन करके मैं जो हूँ उसी संकल्प की स्थिति में मुझे रहना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मस्वरूप से रहना, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। और जिनके पास ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की पावर है, उसका प्रेजेंट पावरफुल बनता है क्योंकि वो प्रेजेंट है, उसको मालूम है, उनका टाइम कोई वेस्ट नहीं कर सकता है। हमारे साथ लाइफ कहने से लाइफ टाइम है। हम जितना साल जीते हैं, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना हम जीते हैं वो हमारा लाइफ टाइम है। उसी लाइफ टाइम में आप जो कुछ करते हो वो आपके मृत्यु के बाद आपकी हिस्ट्री बनती है कि हमने जीवन में इतना किया। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमने मालूम नहीं है कि हमने किया क्या है और हम कितना करने वाले हैं, वो हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं। हमारा फ्यूचर समय के हिसाब से फिक्स नहीं है, हम कब भी शरीर छोड़ सकते हैं।
शरीर के हिसाब से, पर आत्मा के हिसाब से आप अपना फ्यूचर जान सकते हैं, आप अपने नेक्स्ट बर्थ को भी जान सकते हैं, आप नेक्स्ट बर्थ में क्या बनने वाले हैं वो भी जान सकते हैं। तो उसके लिए पहले मन की जो संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति के ऊपर हमारा आत्मा का डायरेक्ट कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि मैं जो संकल्प करना चाहूँ वही संकल्प चले, न मैं पास्ट में चली जाऊँ क्योंकि वो चला गया अब उस समय से कोई फायदा नहीं है, न मैं फ्यूचर की चिंता में चली जाऊँ, मेरे पास प्रेजेंट में जो समय है उस प्रेजेंट सेकंड को, मिनट भी नहीं घंटा भी नहीं, प्रेजेंट सेकंड को मैं बहुत प्रेजेंटफुली यूज कर सकूं, सफल कर सकूं, ग्रेट फ्यूचर के लिए विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज योर प्रेजेंट टाइम। तो संपूर्ण प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके लिए आपको अपने आप से अभ्यास करना पड़ेगा कि वेयर आई एम, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ। आस्क योर सेल्फ, और कहाँ भी बुद्धि इधर उधर भाग जाती है उसको लाओ वापस और स्वयं में रहो। स्वयं में रह करके क्या सोचना है, जैसे परमात्मा गुणों का सागर है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऐसे आत्मा सर्व गुणों की सागर है, सर्वशक्तिवान है। अगर आप अपने आप के अंदर प्रेजेंट होंगे तो आपके पास बहुत अच्छे थॉट होंगे, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दिव्यता की मूरत हूँ, मैं शक्तियों का भंडार हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यही श्रेष्ठ संकल्प आपका खजाना होगा। तो मन से प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुद्धि, बुद्धि के पास जजमेंट पावर है, मन के पास जजमेंट पावर नहीं है। मन 360 एंगल से नहीं सोचता है, मन 360 एंगल से नहीं सोचेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी मन भाग सकता है। बुद्धि, बुद्धि में अवेयरनेस, जागृति, मैं सदा जागृत हूँ, मैं सदा अलर्ट हूँ, ये अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द होल लाइफ, अवेयरनेस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, अवेयरनेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड रिजल्ट, बुद्धि के पास ये ताकत है। ऑलवेज रिमेन त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान हो,
और ये अवेयरनेस से हम हमेशा सेफ रहेंगे। जो ड्राइवर सावधानी से व्हीकल चलाता है वो कभी एक्सीडेंट नहीं करता है, लेकिन जो बेध्यान है या ड्रिंक कर लिया है या किसी नशे में है वो एक्सीडेंट कर लेता है। जब हम बुद्धि से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बुद्धि को न कनेक्ट करने जैसी बातों के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कल सेशन में बहुत अच्छा सुनाया जा रहा था कि स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ने के लिए है। अब जब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ और उस लाइफ में केवल ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, तब हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत है? बुद्धि गलत रीति कनेक्ट हो गई और लाइफ के अंदर एक्सीडेंट्स बन गए। अब हम पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। हमारे जीवन में पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, नशा, चरस, गांजा, ये हमारे लाइफ में क्यों आ जाना चाहिए? अवश्य हमारी अवेयरनेस में डिस्टर्बेंस हो गया, ये करने से क्या होगा ये सोचना हम भूल गए। हमें बुद्धि के अंदर अवेयरनेस रखनी है, सदा जागृत रहना है बुद्धि से। आत्मा स्वयं जागृति ज्योत है, और तो कभी आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, आप जो भी करेंगे बहुत राइट कर पाएंगे। समय कम है इसलिए मैं इतना विस्तार में नहीं जा पाऊंगी, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, आप समझते जा रहे होंगे, उस पर समय देना आप। और तीसरा है संस्कार। हम देखते हैं कई बचपन से बहुत अच्छा गीत गाते हैं, कोई बचपन से संस्कृत बोलना, कोई बचपन से बहुत अच्छी कला का शो कर रहा है, क्यों? वो अगले जन्म का संस्कार लेके आया है आत्मा में। आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा संस्कार बढ़ती है। अब संस्कार क्या है? आत्मा शरीर के द्वारा जो कर्म करती है वो कर्म बार बार करती है, वो आदत बन जाती है, टेव बन जाती है, वही संस्कार है। सुटेव अच्छे संस्कार हैं, कुटेव बुरे संस्कार हैं। परंतु उसके ऊपर आत्मिक स्थिति में रह करके आत्मिक भाव से आत्मिक भाव से हम जो कार्य करेंगे वो बनेंगे श्रेष्ठ संस्कार। जैसे किसी को देख करके कहते हैं ये आत्मा बहुत मीठी है, ये बहुत नम्र है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये संस्कार का रिएक्शन है, संस्कार का आउटपुट है। अगर मुझे मेरे अच्छे संस्कार बनाने हैं तो मेरे अच्छे संस्कार लोग नहीं बना सकेंगे,
क्योंकि लोगों को देखने से तो या मैं इन्फ्लुएंस में आ जाऊंगी, समझो कोई बहुत होशियार व्यक्ति है, कोई बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, उनको देख करके समझो मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, मैं उनके प्रभाव में आ गई। आप अपनी डायरी में लिख लो कि आप कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकेंगे। मैं बहुत छोटी थी, 7 या 8 साल की, पता नहीं उसी समय से मन में एक लेसन की तरह रटती जा रही थी, ये दुनिया का कोई भी इंसान मेरे को प्रभावित नहीं कर सकेगा, ये दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगा, मैं किसी के प्रभाव में आने वाली नहीं हूँ, मैं केवल परमात्मा के प्रभाव में जीना चाहती हूँ और मुझे परमात्मा जैसा बनना है। ऐसा जब छोटी थी तब से मैं ऐसा कहा करती थी, परिणाम स्वरूप यही बना कि मेरे लाइफ में किसी का प्रभाव नहीं आया, रिस्पेक्ट मुझे सबके लिए है। ठीक उसी प्रकार दूसरी बात कि मुझे किसी का संग नहीं लगा। अगर हम किसी के प्रभाव में आते और वो प्रभाव वाली व्यक्ति गलत है, बुरी आदतों वाली है, तो हमें इन्फेक्शन लग जाएगा। जैसे बीमारी से क्या लगता है, इन्फेक्शन लगता है ना। कमज़ोर लोगों के साथ रहना, बुरी आदतों वालों के साथ रहना, बुरे संस्कार वालों के संग में रहना, बुद्धि को उनों के साथ कनेक्ट करना, माना इन्फेक्शन लगना। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, धीरे धीरे आप उनके जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में वही व्यक्ति है, वही आपका भगवान है, वो कहे वही आपकी जीवन की आज्ञा है। जिंदगी खलास हो गई, किसी एक व्यक्ति के पीछे जिंदगी बर्बाद हो गई, ब्लाइंड हो गए, वो बेचारे आँखों से ब्लाइंड हैं, उन्हें दुनिया में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हम बुद्धि से ब्लाइंड हो गए, हमें सही बात समझ में नहीं आती। अगर कोई समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। अगर कोई किसी के प्यार में बेगाना हो जाता है, लव में पड़ जाता है, ठीक नहीं हो रहा है, बड़ों को समझ में आता है अनुभव के आधार पर कि ये अपनी ज़िंदगी को खलास कर देंगे, जानते हैं किसी कैरेक्टर को लेकिन नहीं छोड़ते, एक दो को नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों, इन्फेक्शन लग गया। इन्फ्लुएंस एंड इन्फेक्शन दोनों खतरनाक। हमें अपने आप को उससे बहुत बचाना है। और वो इन्फेक्शन इन्फ्लुएंस लगता कैसे, थ्रू संस्कार, उनों के बिहेवियर से। तो तीसरी बात है, मुझे मेरे भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरे जो दिव्य संस्कार है वही मेरे परमानेंट संस्कार है, वही मेरी अपनी नेचर है, वही मेरा अपना स्वभाव है, और मुझे मेरे अपने स्वभाव में रहना है। क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हम मन से हमेशा
प्रेजेंट रहे अपने साथ। हम बुद्धि से हमेशा अवेयर रहे, जागृत रहे, अलर्ट रहे। और हम संस्कारों में सदैव अपने ओरिजिनल संस्कार, प्रेम, आत्मा के सात ओरिजिनल संस्कार हैं, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति। और ये सातों ही गुण कनेक्टेड है। जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है ना, कोई भी ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का एक एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिकल में गई, डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे डॉक्टरी का ज्ञान है। अब मैं तो अपने को डॉक्टर ही समझती हूँ, नहीं आत्मा बातना नहीं समझती हूँ, डॉक्टर समझती हूँ। डॉक्टर का ज्ञान मिला, अब मुझे मेरा प्यार अधिकतर किससे रहेगा, किससे रहेगा? डॉक्टर लोगों से। लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। ज्ञान से प्रेम, प्रेम से आनंद। अगर दो चार डॉक्टर आपस में मिलेंगे तो मिलके क्या कहेंगे, अरे आपसे मिलके बड़ा आनंद हुआ। जहाँ आनंद होगा वहाँ क्या होगा? सुख। वहाँ भौतिक सुख होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ शांति, जहाँ शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान सब है वो है प्यूरिटी, और जहाँ सब है वहाँ पावर है। तो दुनिया में हर पैसे, हर कार्य के परसेंटेज हैप्पीनेस मिल रही है, परमानेंट नहीं, परफेक्ट भी नहीं, पर उसमें जीवन निर्वाह हो रहा है, हम सब चल रहे हैं। लेकिन वो हमारी पूर्ण पहचान नहीं है, वो है देह की पहचान के हिसाब से जो कुछ लाइफ में मिला वो है। इसीलिए हम आधे मानव हैं, हाफ लाइव हाफ डेड, समझ रहे हैं? शरीर के हिसाब से अगर किसी के आधे अंग चलना बंद हो जाए तो उनकी हालत क्या होती है? इस प्रकार आज के इंसान को तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, हरी, वरी, ये सब हैं। ऐसी स्थिति वाले इंसान को क्या कहा जाए? हाफ डेड के हाफ मैड, क्या कहे, क्या कहे? नहीं बोलेंगे आप लोग? हाफ डेड भी हैं, हाफ मैड भी है। ये कितनी खतरनाक स्थिति है, हमें इससे ऊपर उठ जाना है। आप समझो, ये समय हमारी जिंदगी का बहुत बहुत भाग्य का समय है कि जब हम यहाँ भगवान की गोद में आकर के ऐसी डिवाइन बातों को सुन रहे हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ का बहुत भाग्यशाली समय है, तो जरा हाथ उठाएं। और तो एक सेकंड भी वेस्ट मत करना। तो अभी क्या करना है? हम वापस जाएंगे, लेकिन हम वो ही वापस नहीं जाएंगे। हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की अवेयरनेस के साथ जाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक देवात्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और
ये संसार में जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के बच्चे हैं, पर बेचारे राह भूले हुए हैं। अब मुझे राह मिल गया है, मुझे सबको राह दिखाना है, मुझे सही रास्ते पर लगाना है। मुझे किसी ने सही रास्ते पर लाया, मुझे आज बहुत खुशी है। यहाँ से ऐसा संकल्प करके जाना कि मैं बहुतों को ये सही रास्ते पर ले आऊँगा, ये संकल्प करना अच्छा है। जरा हाथ उठाएं, बस तो इतना छोटा सा काम करना, बहुतों को इसी रास्ते पर ले आने के लिए आप जिसको भी लाना चाहते हो उसको एक पूर्ण मानव की नज़र से देखना। ये परमात्मा की संतान है, ये एक देवात्मा है। बिचारी मार्ग भूली हुई आत्मा को मैं फिर रास्ते पर लगा दूँ, आपकी दृष्टि उनका कल्याण कर देंगी, आपकी भावनाएं उनका जीवन बदलना शुरू कर देंगी और आप किसी के भाग्य विधाता बन जाएंगे। स्वयं का भाग्य तो हम बहुत अच्छा बनाएंगे ही, लेकिन हम दूसरों के भाग्य को भी संवार सकेंगे, हम दूसरों के फ्यूचर को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो बात इतनी सिंपल है, मन से प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, बुद्धि में अवेयरनेस रखना है और संस्कारों से डिविनिटी का प्रदर्शन करना है। फिर हम इस दुनिया में पुराने शरीर में होते हुए हम एक नए इंसान की तरह जिएंगे। हम हाफ मैड भी नहीं हैं और हम हाफ डेड भी नहीं हैं, समझ रहे हैं? हम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हम पूर्ण देवता हैं और इसी शरीर में हमें ये महसूस करना है, अनुभव करना है। बस जैसे ही आत्मा चार्ज हुई, जैसे ही आत्मा ने अपनी ओरिजिनलिटी को रिच कर लिया, पहुंच गई, अपनी महसूसता को अनुभव कर लिया, फिर भले शरीर कोई भी हो, आई एम लाइव, आई एम परफेक्ट, आई एम डिवाइन सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान की बच्ची, मैं भगवान जैसी हूँ। और बहुत इजीली हम उस चीज़ को अनुभव करेंगे। ओम शांति। आंखें खुली रखे, अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखे और वो खुली आंखें आत्मस्वरूप की स्मृति के साथ हो। और जब भी आप किसी को देखो अपनी वो आत्मिक दृष्टि से देखो, उस आत्मा को भी आत्मा समझकर देखो। दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। अभी ओंकार भाई जी नासिक से एक बहुत अच्छा गीत गाएंगे और हम सब मेडिटेशन करेंगे।